लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल के दोस्तों एक वीडियो है, एक कोड आपको बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पे कितनी सिम रजिस्टर हैं, यूफोन की कितनी है, जोंग की कितनी है, टेलीनार की कितनी है, जैज़ की कितनी है। काफ़ी दिन पहले मैंने एक दोस्तों इस पर जो है वो वीडियो बनाया था दोस्तों, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स हैं और उस अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आप तमाम डिटेल चेक कर सकते थे और क्या क्या उनके नंबर हैं। लेकिन काफ़ी से लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो जो है वो अभी कुछ सिम पे वर्क नहीं कर रहा वो तरीका, तो आज जो तरीका लेके आऊँ ये दोस्तों हर सिम पे वर्क करेगा। कोई भी आपके पास सिम है, टेलीनार की है, जैज़ की है, किसी भी सिम से आप चेक कर सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री के अंदर, बिल्कुल मुफ्त के अंदर आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना दोस्तों। इसके लिए दोस्तों तरीका कुछ इस तरीके से है, वो तरीका मैंने आपको एक कोड के जरिए बताया, लेकिन ये मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ। इसके लिए आपके पास मोबाइल डाटा होना लाजमी है, कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, गूगल है, क्रोम है, जो भी ब्राउज़र है वो आपने यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे दोस्तों टाइप करना है CNIC डिटेल। ठीक है जी, CNIC डिटेल आप जैसे ही लिखेंगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो को आपने गौर से देखना कि मैं किस वेबसाइट को यहाँ पर दोस्तों ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल रही है CNIC.sims.pk कुछ इस तरीके से, इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसी वेबसाइट को ही आपने ओपन करना, इसके अलावा किसी और वेबसाइट को ओपन नहीं करना। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं खा लेता हूँ जो डेस्कटॉप साइट। ठीक है जी, ताकि आपको यहाँ पर ठीक तरीके से ये नज़र आए। ठीक है जी, अब यहाँ पर यह पूछ रहा है जी CNIC नंबर या फरीजन आईडी। आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर लेना, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना। मैंने एक आईडी कार्ड यहाँ पे पहले भी सर्च किया। ठीक है जी, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड, और अच्छी बात यह है कि ये आपको फ़ौरन रिजल्ट देती है। मैसेज में तो ये होता था कि आपके पास मैसेज 5 से 10 मिनटों में आता था, लेकिन यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड जैसे ही एंटर करना और सबमिट के बटन पर क्लिक करना। लेकिन शनाख्ती कार्ड जब एंटर करेंगे यहाँ पर आपने कोई भी डैश वगैरह एंटर नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से देख लें, बिल्कुल आपने तरतीब से लिख देना। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने चेक लगाना I am not robot, एक कैप्चा आएगा, इसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना। ये कह रहा है जी मोटरसाइकिल। ठीक है जी, यहाँ पे जो जो मोटरसाइकिल है इसको आपने यहाँ पे इस तरीके से ये देखें जी चेक लगा देना। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको जो है वो फिल, ये इस तरीके से। ठीक है जी, मोटरसाइकिल की ये कह रहा है तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर लिया, और आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, हम यहाँ पर दूसरी पिक्चर आ गई, ये दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से। ये आपने ध्यान से ज़रा करना है। ठीक है जी, ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, लोडिंग हो रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करना, एक ही दफ़ा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है जी, हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बॉक्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पर है जी जैज़ की आपके नाम पर 2 सिम्स हैं, टेलीनार की 2 हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दोस्तों ठीक तरीके से नज़र आ सके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे जैज़ की ये देखें जी 2 हैं। ठीक है जी, इसके बाद टेलीनार की 2 हैं, इसके बाद यूफोन की 1 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सिम्स हैं 5। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि डाटा सिम दोस्तों जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर होगी वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। इस आईडी कार्ड पे कोई भी डाटा सिम यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल 0 है, और टोटल सिम्स यहाँ पे 5 रजिस्टर हैं। यहाँ पे जैज़ की ये 2 बता रहा है, टेलीनार की 2, यूफोन की 1, जोंग की यहाँ पर बिल्कुल भी 0 है, कोई भी रजिस्टर नहीं है। वारिद की भी 0 है, यहाँ पर वारिद की भी कोई सिम नहीं है। टोटल सिम्स दोस्तों यहाँ पर 5 इस आईडी कार्ड पर रजिस्टर हैं। लेटेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड पर कौन कौन सी सिम्स हैं। दोस्तों अगर आप नंबर चेक करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे होंगे कि नंबर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, नंबर वाला तरीका वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आप इन सिम्स के नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, वो चैनल पे जाके विजिट करें, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।